तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एंड आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से जो कि हमारे सॉफ्ट है वो चेक करेंगे और किस तरीके से जो कि बूस्टर है उन्हें किस तरीके से रिपेयर करना है। तो अभी फिलहाल में जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं गाड़ी के नीचे बैठा हुआ हूँ एंड हमें भाई साहब ने कमेंट किया था कि हमें एयर ब्रेक रिपेयर करना है एंड जो कि सॉफ्ट है वो किस तरीके से लगाना होती है पूरी सॉफ्ट। तो मैं पहले सॉफ्ट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि सॉफ्ट लगी हुई है, ये सॉफ्ट किस तरीके से लगी हुई है आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि ये सॉफ्ट का जो हिस्सा है इसका होल्डर नीचे है एंड जो कि आगे हमारी जो सॉफ्ट है उसका होल्डर भी नीचे है, यानी कि सेम पोजीशंस में आप देख सकते हो किस तरीके से सॉफ्ट लगी हुई है। वैसे कि वैसे ही पूरा सेम प्रोसेस आगे तक के है। आप देख सकते हो जो सॉफ्ट का हिस्सा है, सॉफ्ट का जो गुल्ला है जो मेन आगे वाली सॉफ्ट है उसमें भी सेम लगा हुआ है। देख सकते हो आप यहाँ पर आगे देख सकते हो आगे वाले पे एंड सेकंड वाले पे यहाँ पर भी एंड जो कि यहाँ पर भी जो कि सेम है एंड नीचे की साइड में ये सेम जो कि होल्डर्स हैं आपको सेम रखना है। उससे क्या आपकी सॉफ्ट जो कि भर रहा है कि नहीं एंड उससे काफ़ी हमें सेफ्टी मिलती है, यानी कि अगर सॉफ्ट आपकी भर रहा है कि तो आपकी सॉफ्ट जो है वो बेंड होने का डर होगा एंड जो कि सेंटर बैंक सॉफ्ट फिर तोड़ती है एंड वापस उसे थ्रू करवाना होता है। तो फिलहाल मैं ये तो अभी बता दिया आपको कि किस तरीके से जो कि हमारे सॉफ्ट लगाना है। अब कोई सी भी गाड़ी की सॉफ्ट लगाओ, ऐसा नहीं है कि आयसर, मैं आपको आयसर की बता रहा हूँ, आपको टाटा लीलैंड कोई सी भी गाड़ी हो आपको सॉफ्ट इस तरीके से लगाना है जो कि जिस तरीके से अभी फिलहाल में लगी हुई। ये कंपनी प्रोवाइड करती है हमें कि किस तरीके से सॉफ्ट लगानी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब बात करें हम बूस्टर की, एयर ब्रेक किस तरीके से रिपेयर करना। तो एयर ब्रेक्स यहाँ पर जो कि अभी हमारे पास किस तरीके से है, कंप्रेसर को चेक करना है हमारी गाड़ी जो कंप्रेसर बना रही है या नहीं बना रही है और किस तरीके से हमें उसे रिपेयर करना होता है ये भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ। एंड जो कि ड्यूल वाल्व और कंप्रेसर की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड फिलहाल जो कि बूस्टर को किस तरीके से रिपेयर करना है ये अभी तक के हमने नहीं बताया। तो बूस्टर को रिपेयर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल मैं, अगर आपको कोई भी अगर वीडियोस चाहिए तो आप क्लियरली हमें बताइए कि हमें इस चीज़ की वीडियो चाहिए। अगर आप कहोगे कि हमें एयर ब्रेक्स किस तरीके से रिपेयर करना है तो मैं आपको सही तरीके से नहीं समझ पाऊंगा कि हमें कौन सी चीज़ रिपेयर करनी है। अगर आप हमें सही तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे कि या आपको पाइपलाइन सर्विस करनी है एयर ब्रेक की पाइपलाइन सर्विस भी होती है, यहाँ पर देख सकते हो एयर ब्रेक की पाइपलाइन सर्विस किस तरीके से होती है ये भी अगर आपको जानना है तो हमें वीडियोस में कमेंट कर दीजिए कि हम उस चीज़ पे वीडियोस बना देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से फिलहाल में यहाँ पर जो कि बूस्टर्स के पाइप्स लीकेज होते हैं या पाइप्स किस तरीके से चेंज करना है ये भी हम वीडियोस में बता सकते हैं। पर आपको अगर ये जानना है कि जो कि बूस्टर्स को आप काफ़ी बार अगर पहुँचाते हो कहीं पे रिपेयर करने के लिए तो आप खुद से रिपेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जो कि लेथ या वगैरह जो कि जो कि लेथ वाले होते हैं उनके पास नहीं पहुँचाने की ज़रूरत होती, आप खुद से रिपेयर कर सकते हो। अगर ये अगर वीडियोस आप तक चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसे ही किसी भी व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।